हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल राजकिरण में। और आज का हमारा टॉपिक है फिब्रिनोलाइटिस। टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक एंड कमेंट करना भी ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक फिब्रिनोलाइटिस। फिब्रिन मतलब क्लॉट, फिब्रिन थ्रेड होता है, इसे क्लॉट बोलते हैं। लाइटिक मीन्स ब्रेक करना, उस फिब्रिन क्लॉट को ब्रेक करना और डिजोल्व करना। तो जो ड्रग उसे डिजोल्व करने में हेल्प करेंगे क्लॉट को, उसे क्या बोलते हैं हम, फिब्रिनोलाइटिक। तो फिब्रिनोलाइटिक आर यूज टू डिजोल्व द क्लॉट इन ब्लड वेसल, मेनली कॉर्नरी आर्टरी। कॉर्नरी आर्टरी वो आर्टरी होगी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। तो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करी है उसमें कुछ क्लॉट आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है, ठीक है। तो उस क्लॉट को डिजॉल्व जो ड्रग करेंगे उनको हम कॉल करेंगे फिब्रिनोलाइटिक। जो क्लॉट होता है उसके लिए हम थ्रोम्बस वर्ड भी यूज़ करते हैं। कॉर्नरी आर्टरी में थ्रोम्बस आ गया मीन्स वहाँ पे भी कुछ क्लॉट वगैरह आ गया है। दिस सिस्टम, इसमें जो मेन सिस्टम इन्वॉल्व होगा वो होगा एंजाइमेटिक एक्टिवेशन ऑफ प्लाज्मिनोजन टू प्लाज्मिन। जितनी भी ड्रग्स हैं वो प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करके ही वर्क करेंगी। तो फिब्रिनोलाइटिक ड्रग्स क्या करती हैं, प्लाज्मिन को प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटेड प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करती हैं, और प्लाज्मिन है वो फिब्रिन को डिसॉल्व या डिसोसिएट करने में हेल्प करेगी, ठीक है, फिब्रिन क्लॉट को ब्रेक करने में हेल्प करेगी। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जो प्लाज्मिनोजन टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है ये बाइंड करेगा किससे, फिब्रिन से। ब्लड क्लॉट के सरफेस पर जो फिब्रिन है उससे ये बाइंड करेगा, एंड जो क्रॉस लिंकिंग होती है फिब्रिन मॉलिक्यूल्स के बीच में उस क्रॉस लिंकिंग को ब्रेक कर देगा, जिससे इंडिविजुअल फिब्रिन मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे और जो कि इजीली डिसोसिएट हो जाएंगे। द ब्लड क्लॉट आल्सो डिसॉल्व। क्लासिफिकेशन ऑफ फिब्रिनोलाइटिक ड्रग्स में फर्स्ट आती है स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, रेटिप्लेज, एल्टीप्लेज एंड टेनेक्टिप्लेज। स्ट्रिप्टोकाइनेज का मेन एक्सप्लेनेशन दिया है क्योंकि सारी जो ड्रग्स हैं इसी पर बेस हैं। ड्रग का नेम चेंज होगा, बाकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर होगा। तो स्ट्रिप्टोकाइनेज की हाफ लाइफ होती है 60 to 80 मिनट, एंड रेटिप्लेज है एनालॉग ऑफ एल्टीप्लेज। ये रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर भी कॉल करते हैं। टेनेक्टिप्लेज जेनेटिकली इंजीनियर्ड म्यूटेंट फॉर्म है, एल्टीप्लेज की ही जेनेटिकली फॉर्म है। तो फर्स्ट ड्रग आती है स्ट्रिप्टोकाइनेज। स्ट्रिप्टोकाइनेज क्या है, हमारा एंजाइम है, प्रोटीएज एंजाइम है विच इज ऑप्टेन फ्रॉम बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रिप्टोकोकाई से ऑप्टेन होगा। ये स्ट्रिप्टोकाइनेज है वो प्लाज्मिनोजन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, 1:1 का कॉम्प्लेक्स होगा, और दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। एंड दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ प्लाज्मिनोजन इनटू प्लाज्मिन, एंड देन प्लाज्मिन हेल्प्स इन सॉल्युबल डिग्रेडेशन ऑफ फिब्रिन क्लॉट, ठीक है, फिब्रिन क्लॉट को डिसॉल्व करने में हेल्प करेगा। एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्ट्रिप्टोकाइनेज मेन है हमारा सेरिब्रल हीमोरेज, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेरिब्रल हेमरेज। उसके बाद एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, इसके लिए दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, फीवर, रैसेस एंड हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन भी कॉमन है। नेक्स्ट आते हैं थेरापिटिक यूज़। फर्स्ट तो यूज़ हो गया एज ए फिब्रोलाइटिक, फिब्रिन थ्रेड को क्लॉट जो क्लॉट है उसको डिजॉल्व करने में हेल्प करता है। तो मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन में क्या होता है, क्लॉट डिपॉजिट हो जाता है आर्टरीज के अंदर, तो इस एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन में यूज़ होगा, एज ए फिब्रिनोलाइटिक यूज़ होगा। एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म में यूज़ करेगा, एंड डीप वेन थ्रोम्बोसिस, कहीं भी थ्रोम्बस है उसको डिसॉल्व करने में भी हेल्प करेगी। नेक्स्ट ड्रग है हमारी एंटी स्ट्रिप्लेज। एंटी स्ट्रिप्लेज यूरोकाइनेज जो हमारा स्ट्रिप्टोकाइनेज है इसी की फॉर्म है, बस इसके कुछ फार्माकोकाइनेटिक है उसको चेंज करने के लिए हमारी ये ड्रग बनाई है, ठीक है, बेटर या इम्प्रूव करने के लिए फार्माकोकाइनेटिक ऑफ स्ट्रिप्टोकाइनेज प्लाज्मिनोजन कॉम्प्लेक्स के लिए ड्रग बनाई है एंटी स्ट्रिप्लेज। तो इट इज़ ए एन आइसोलेटेड प्लाज्मिनोजन स्ट्रिप्टोकाइनेज एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स विच इज सिंथेसाइज टू इम्प्रूव द फार्माकोकाइनेटिक ऑफ स्ट्रिप्टोकाइनेज
प्लाज्मिडोजन कॉम्प्लेक्स। काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं स्ट्रिप्टोकाइनेज एंड एंटीकाइनेज में, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सिमिलर रहेगा, बट जो एंटी स्ट्रिपलेज है वो क्या है, हमारी एक प्रो ड्रग होती है। ठीक है, तो एन आइसोल जो हमारी एक कॉम्प्लेक्स है, एन आइसोलेटेड प्लाज्मिनोजन स्ट्रिप्टोकाइनेज कॉम्प्लेक्स कॉल करते हैं इस ड्रग को हम। ये क्या है, प्रोटोटाइप ड्रग है जो कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होती है, प्लाज्मिनोजन स्ट्रिप्टोकाइनेज कॉम्प्लेक्स में। स्ट्रिप्टोकाइनेज की कंपेरिजन में इसका जो टी हाफ होता है वो ज़्यादा होता है, लॉन्गर होता है 70 to 180 मिनट। एडवांटेज क्या होंगी, इसको हम आईवी बॉलस इंजेक्शन से देते हैं। मेन एडवांटेज हो गई लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा एज कम्पेयर टू स्ट्रिप्टोकाइनेज, और स्ट्रिप्टोकाइनेज के कंपेरिजन में थ्रोम्बोलाइटिक एक्शन ज़्यादा होगा और क्लॉट जो सेलेक्टिविटी है वो भी ग्रेटर होगी, ग्रेटर क्लॉट सेलेक्टिविटी। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज क्या है, एक तो इससे एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, दूसरा सिस्टेमिक लाइसिस कॉज करती हैं स्ट्रिप्टोकाइनेज की कंपेरिजन में, ये क्या होती है हमारी मोर एक्सपेंसिव होती हैं, यूरोकाइनेज और स्ट्रिप्टोकाइनेज के उसमें दोनों ही क्या होंगी हमारी एक्सपेंसिव होंगी। नेक्स्ट आती है यूरोकाइनेज, हमने कंपेरिजन या जो डिफरेंस किया वो यूरोकाइनेज एंड एंटी स्ट्रिपलेज के केस का किया है। ठीक है, तो ह्यूमन जो यूरोकाइनेज क्या है हमारा, ये भी प्रोटीएज एंजाइम है जो कि सिंथेसाइज होता है किडनी से। ठीक है, पहले इसे ऑप्टेन करते थे यूरिन वगैरह से, ठीक है, अब इस और दूसरा हम इसे ऑप्टेन कर सकते हैं कल्चर्ड ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोनिक किडनी सेल से इसे हम ऑप्टेन करेंगे। ये क्या है, डायरेक्ट प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करता है, तो इट इज़ ए डायरेक्ट प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर यूरोकाइनेज। इसको हम क्या देंगे, आईवी इन्फ्यूज़न से देंगे, जो डोज में डिफरेंस होता है दोनों की, ये होती है 20 यूनिट्स ओवर 3 to 5 मिनट, और यूरोकाइनेज की डोज होती है हमारी 300,000 यूनिट ओवर 10 मिनट्स। नेक्स्ट हमारा इसमें जो मेन वो आ जाता है कि स्ट्रिप्टोकाइनेज है एलर्जी कॉज करती है, बट यूरोकाइनेज एलर्जी कॉज नहीं करती, नॉन पायरोजेनिक होती है, और स्ट्रिप्टोकाइनेज हाइपोटेंशन कॉज कर रही थी, बट यूरोकाइनेज हाइपोटेंशन कॉज नहीं करेगी, और इसकी जो रिकॉम्बिनेंट फॉर्म है प्रो यूरोकाइनेज ये भी अवेलेबल है। नेक्स्ट आती है डिसएडवांटेज ऑफ यूरोकाइनेज, एक तो जो फिब्रिन के लिए स्पेसिफिसिटी होगी वो बहुत ही कम होगी, दूसरा एक्सपेंसिव है और लिमिटेड यूज़ होती है, ये मिनिमम फिब्रिन स्पेसिफिसिटी होगी जबकि इसकी ग्रेटर फिब्रिन स्पेसिफिक जो क्लॉट स्पेसिफिसिटी होगी, ये एक्सपेंसिव होगी, ये एक्सपेंसिव भी है बट लिमिटेड यूज़ होती है। लाइटिक्स में हमारी सिलेक्टेड ड्रग्स हैं जिनके बारे में मैं आपको ब्रीफली डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, यदि क्वेश्चन आता है राइटिनोटन फिब्रिनोलाइटिक, तो आप फिब्रिनोलाइटिक ये मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने के बाद स्ट्रिप्टोकाइनेज को एक्सप्लेन कर सकते हो, वो आपके लिए सफिशियंट होगा 8 या 5 मार्क्स में। यदि आपका 10 मार्क्स का आता है तो आपको कंप्लीट डिटेल देनी पड़ेगी सारी ड्रग्स की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल और वीडियो एज ऑन फिब्रिनोलाइटिक ड्रग्स। थैंक यू सो मच अगेन।